नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में जन्माष्टमी की धूम है, बद्रीनाथ धाम में जन्माष्टमी की धूम दिखाई दे रही है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंचे थे और भगवान विष्णु की आराधना की। बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी ईश्वर प्रसाद नेमुदरी ने श्री कृष्ण भगवान के प्रतिनिधि उद्धव जी का अभिषेक, पूजन, महाआरती और भोग अर्पित किया। ये तस्वीरें बीती रात की बताई जा रही है। देखिए रौनक आप देख सकते हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर ये रौनक आप देख रहे हैं। और बद्रीनाथ धाम में भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ नंदोत्सव मनाया जा रहा है। और इसमें भगवान श्री कृष्ण की भव्य झांकी निकालकर नगर में भ्रमण कराया गया और इस दौरान सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने भगवान श्री कृष्ण की जय की नारों से पूरा बद्रीनाथ धाम को गुंजयमान किया। आपको ये भी बता दें कि बद्रीनाथ धाम में कल ही जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया था। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कान्हा के जन्म की धूम कल दिखाई दी। बद्रीनाथ धाम की तस्वीरें हैं, रात 12 बजे के आसपास की ये तस्वीरें। और बद्रीनाथ धाम में नंद उत्सव मनाया गया, जब झांकी निकाली गई थी भगवान के अलग अलग रूपों की, उस वक्त की तस्वीरें भी हमने आपके सामने रखी है। आप उत्साह देख सकते हैं, रौनक बद्रीनाथ धाम की देख सकते हैं और श्रद्धालुओं की संख्या देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि भारी संख्या में यहां पर श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे और नंदलाल के जन्म उत्सव को मनाने के लिए पहुंचे थे। दो तस्वीरें, एक तस्वीर में हम अब आपको जो तस्वीर दिखा रहे थे वो बद्रीनाथ धाम की है, जबकि दूसरी जो तस्वीर है ये देखिए श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा की तस्वीर है। तो बद्रीनाथ धाम की तस्वीर देख रहे हैं क्योंकि कल वहां पर जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया और आज कृष्ण जन्मोत्सव की धूम सुबह से ही दिखाई दे रही है मथुरा में। रात 12 बजे की जो तस्वीरें होंगी वो भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले की तस्वीरें देख लीजिए। सुबह से जो तैयारियां वहां पर हो रही हैं, भगवान के श्रृंगार की बात करें, आरती भोग की बात करें, वो तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पीले वस्त्र में आप भगवान को देख सकते हैं, साथ ही राधा रानी पीले वस्त्र में आपको दिखाई दे रही है। ये सुबह की बिल्कुल झलक है, जब भगवान का श्रृंगार किया गया, श्रद्धालु पहुंचे भगवान के दर्शन करने के लिए। मथुरा की तस्वीर और बद्रीनाथ धाम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अल्मोड़ा में दो दिवसीय कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का आगाज हो चुका है। इस दौरान कलाकारों में राधा कृष्ण की झांकी निकाली गई जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ दिखाई दी। तो पहाड़ पर कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है, अल्मोड़ा की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए और कार्यक्रम के दौरान कलाकारों ने भगवान के रूप में प्रस्तुति भी दी। कार्यक्रम के दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तमाम गणमान्य पहुंचे हुए थे और जन्माष्टमी की धूम दिखाई दे रही है। दो दिन जन्माष्टमी का पर्व अल्मोड़ा में जिसका आगाज हो चुका है, दो दिनों तक ये पूरा पर्व चलेगा। ये उत्साह आपको दो दिनों तक ऐसे ही देखने को मिलेगा और कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी, उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और चलिए अब कुछ और खबरों का रुख करते हैं। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पेपर लीक मामले में ईडी भी कर सकती है जांच। ये बड़ी जानकारी मिल रही है, ये बड़ा अपडेट है। जिन लोगों की गिरफ्तारियां हुई उनकी संपत्ति तेजी से बढ़ी है। और ये देखिए एक बड़ी बात जो निकलकर सामने आई है, जिन लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं उनकी संपत्ति तेजी से बढ़ी है। मामले पर एसटीएफ अपनी रिपोर्ट बनाकर ईडी को भी सौंप चुकी है और अब ईडी संपत्ति बढ़ने के मामले में जांच कर सकती है। दरअसल एसटीएफ ने इस मामले में अब तक 83 लाख रुपए बरामद किया है और जो डिटेलिंग दी गई है उसके मुताबिक माना जा रहा है कि अब ईडी इसमें जांच आगे बढ़ा सकती है। देहरादून से अगली बड़ी खबर आपको दे दें, यूके SSSC पेपर लीक से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। मास्टरमाइंड हाकम सिंह के बड़े नेताओं के साथ फोटो वायरल हो रहे हैं, ये फोटो भी अब आपको दिखाएंगे अब से थोड़ी देर बाद। उत्तराखंड के कई नेताओं के साथ फोटो वायरल हुए, पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी है हाकम सिंह और बताया जा रहा है कि बड़े नेताओं के साथ इसकी तस्वीरें वायरल हो रही है। देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ इसकी तस्वीर है और अब इस पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। उधर यूके SSSC पेपर लीक मामले पर भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश की है, तो वहीं सरकार के पूर्व मंत्री अरविंद पांडे कह रहे हैं कि धांधली की निष्पक्ष तरीके से जांच होगी। सुनिए, हाकम सिंह के भी सारे फोटोग्राफ्स बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ, बड़ा अजीब सा खेल है। वही कातिल वही मुंसिफ अकबरा मेरे करूं कत्ल का दावा किस पर,
मतलब गजब हो गया, एक छोटी मछली पकड़ ले रहे बाकी को बचा दे रहे, और तुम्हारे साथ ही संबंध क्यों है अपराधियों के, औरों के साथ भी तो हो सकते थे, वो तुम्हारे साथ ही, वो पंत दंपति पूरा बीजेपी के नेताओं के साथ, ये हाकम सिंह पूरा बीजेपी के नेताओं के साथ चोरी करें, छोटे छोटे को पकड़ के अंदर, कुंभ जांच की बात करें महेंद्र भट्ट जी, उसके बाद पंत दंपति के बाद जिन्होंने उनको काम दिलाया उनके ऊपर कार्रवाई क्या हुई, हाकम सिंह को पकड़ लिया, दिखाइए ना दो चार मंत्री उनको बाहर करके, तब मानेंगे कि आप बिल्कुल सही जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। कहीं से कहीं तक जो लोग घोटाले में शामिल हैं हमारी सरकार काम भी उन पे काम भी किया है, और जांच ये बड़ी होनी चाहिए, हम इस बात के पक्षधर हैं, और भारतीय जनता पार्टी कभी भी इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करती। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विनोद कुमार मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, क्योंकि जो तस्वीरें हाकम सिंह की वायरल हुई हैं बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ, अब उस पर कांग्रेस ने सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। विनोद, क्योंकि स्थितियां हम लगातार देख रहे हैं कि हाकम सिंह को लेकर कई तरीके के सवाल उठे, लेकिन जब तस्वीरें वायरल हुई बीजेपी के नेताओं के साथ, त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ तस्वीर वायरल हो रही है, ऐसे में क्या पक्ष सत्ता पक्ष की तरफ से है और विपक्ष किस तरीके से इस पूरे मामले को देख रहा है? एसटीएफ ने मास्टरमाइंड हाकम सिंह को सबसे बड़ा अपराधी घोषित कर दिया है, यानी मास्टरमाइंड घोषित कर दिया गया है, और अब तक इस पूरे मामले में करीब 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और जिस तरह से अब सोशल मीडिया पर हाकम सिंह के उत्तराखंड के राजनेताओं के साथ में फोटो वायरल हो रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट हो, धन सिंह रावत हो, सुबोध उनियाल हो, ये तमाम फहरिस्त ऐसी हैं जो भाजपा से संबंध रखते हैं, और भाजपा के नेताओं के साथ में हाकम सिंह जिस तरह से खुलेआम घूमता था, कार्यक्रम में शिरकत करता था, तो आप इस बात से गुरेज नहीं कहा जा सकता है कि उनको राजनीतिक, हाकम सिंह को राजनीतिक संरक्षण नहीं था। और जिस तरह से एसटीएफ भी ये दावा कर चुकी है कि इस पूरे मामले में बड़े सफेदपोश भी हो सकते हैं, बड़े उत्तराखंड के अधिकारी भी हो सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड के डीजीपी के साथ में भी हाकम सिंह के फोटो वायरल हो रहे हैं, तो विपक्ष जरूर सवाल उठा रहे हैं कि सभी नेताओं के साथ में मास्टरमाइंड हाकम सिंह के फोटो वायरल हो रहे हैं, तो वो सवाल उठाना लाजमी भी है। लेकिन एक तरफ जहां युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और दूसरी तरफ उत्तराखंड के तमाम राजनेताओं के साथ में मास्टरमाइंड की तस्वीरें वायरल हो रही है, तो आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि जरूर कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण हाकम सिंह को जरूर था। हालांकि अभी 19 लोगों को एसटीएफ की ओर से गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन एसटीएफ ये भी दावा कर रही है कि और भी कई सफेदपोश हो सकते हैं जिसके तार इस पूरे मामले से जुड़े हो सकते हैं, और जिस तरह से तमाम दिग्गज नेताओं के साथ में हाकम सिंह की तस्वीरें वायरल हो रही है, चाहे सूबे के मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट हो, धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल, ये तमाम ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय राजनीति में काम कर रहे हैं, और उत्तराखंड सरकार से लेकर तमाम केंद्र की राजनीति में भी जो लोग हैं उनके साथ में हाकम सिंह बिल्कुल अच्छी तरीके से मुलाकात करता है, उनके साथ फोटो खिंचवाता है, और दूसरी ओर UK SSC का जो सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है उसमें मास्टरमाइंड हाकम सिंह है। तो इस बात से आप अंदाजा लगाइए जया कि राजनीतिक संरक्षण कितना उसको दिया गया है, और उसी के एवज में उसने ऐसा कारनामा कर दिया गया किया कि जिसके एवज में अब करीब लाखों युवा बेरोजगार होने की दशा में है, और जिसके चलते 8 भर्ती परीक्षा रद्द करनी पड़ी है सरकार को, और जिस अभी भी एसटीएफ लगातार इस पूरे मामले में अपनी निगरानी बनी हुई है, और ये भी महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह से एसटीएफ ने अभी 19 लोगों को गिरफ्तार किया है, उन लोगों की संपत्तियां भी कंगाल कर ईडी को सौंप दी गई है, यानी अपनी रिपोर्ट ईडी को सौंप दी गई है एसटीएफ ने, तो ईडी भी इसमें जांच कर सकता है। लेकिन इतने तमाम नेताओं के साथ में जिस तरह से ये सक्रिय राजनेताओं के साथ में, बिल्कुल विनोद, और देखिए बिना राजनीतिक संरक्षण के ये संभव नहीं है, जितना बड़ा कारनामा हाकम सिंह ने किया है वो बिना राजनीतिक संरक्षण के पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब देखना ये होगा कि बीजेपी का इस पर क्या काउंटर आता है, बीजेपी का पक्ष क्या है, क्योंकि ये बहुत जरूरी होगा इस टाइम पे। बहुत शुक्रिया विनोद आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपको दे, दिल्ली में उत्तराखंड नेताओं की बैठक जारी है। उत्तराखंड में भाजपा की नई टीम के लिए मंथन हो रहा है, और बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष है, प्रभारी दुष्यंत गौतम भी हैं, सह प्रभारी रेखा वर्मा और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ ही प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार मौजूद है इस बैठक में। तो उत्तराखंड में भाजपा की नई टीम के लिए मंथन जारी है।
बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। दिल्ली में उत्तराखंड नेताओं की ये बैठक हो रही है और बैठक में टीम को लेकर चर्चा की जा रही है। उत्तराखंड में भाजपा की नई टीम के लिए मंथन लगातार जारी है, ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि देखिए, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष हैं इस बैठक में शामिल, प्रभारी दुष्यंत गौतम हैं, सह प्रभारी रेखा वर्मा जो कि बैठक में शामिल हैं, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार मौजूद है। तो बैठक में कौन कौन शामिल है, देखिए तस्वीरों के साथ वो नाम भी आपको और उनका डेजिग्नेशन भी बता रहे हैं कि कौन कौन इस बैठक में पहुंचा हुआ है। तमाम बीजेपी के बड़े नेता हैं, बीएल संतोष हैं जो कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, अविनाश मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अविनाश, उत्तराखंड भाजपा की बैठक हो रही है, क्या इस वक्त अपडेट है बैठक को लेकर? देखिए, अगर बात करें पिछले डेढ़ घंटे से ये बैठक जारी है, जिसमें अगर बात करें तो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष तमाम सारे पदाधिकारियों के साथ ये बैठक कर रहे हैं। क्योंकि नए प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड के अंदर घोषित किए गए हैं, तो लिहाजा किस तरीके से संगठन में लोगों को जगह दिया जाए, यानी कि प्रदेश की जो टीम बननी है उसमें किसको कौन सा पद दिया जाए, इसको लेकर के गहन मंथन विचार विमर्श चल रहा है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो राज्य सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री है, उन राज्य मंत्रियों को किस तरीके से चुना जाए, कौन कौन से लोगों को राज्य मंत्री बनाया जाए, इस बात को लेकर भी मंथन हो रहा है। पिछले हफ्ते भी इसी बात को लेकर के मंथन हुआ था, तब कई नामों और कई नाम के साथ साथ उनके बायोडाटा को भी मंगाया गया था, जिसको लेकर के आज प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पहुंचे हैं, जिनपे नामों को लेकर के चर्चा एक बार फिर से आज की जा रही है। जी, और अविनाश, कितनी देर और ये बैठक चल सकती है, क्या अनुमान लगाया जा रहा है? देखिए, अगर बात करें तो अभी तकरीबन एक से डेढ़ घंटा भी ये बैठक और चलेगी, क्योंकि भाजपा पूरी तरीके से इस पर चर्चा कर रही है कि किन किन लोगों को संगठन में रखा जाए और कौन कौन लोगों को दर्जाधारी राज्य मंत्री बनाया जाए, इसको लेकर के नामों पर अभी भी मंथन जारी है और तकरीबन एक से डेढ़ घंटा भी ये बैठक और चलेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और वही उत्तराखंड शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दें, गंभीर रूप से बीमार शिक्षकों की लिस्ट बननी शुरू हो चुकी है। दरअसल बीमारी के चलते ड्यूटी पर नहीं आ रहे कर्मचारी और टीचर्स, और इसी पर यह एक्शन हुआ है। 20 साल से सेवाएं देने वाले 2000 टीचर की सूची तैयार कर ली गई है, बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड शिक्षा विभाग से जुड़ी अहम खबर, दरअसल गंभीर रूप से बीमार शिक्षकों की लिस्ट बननी शुरू हो चुकी है, ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बीमारी की वजह से ड्यूटी पर नहीं आ रहे कर्मचारी और टीचर्स, और ऐसे में लिस्टिंग शुरू हो चुकी है। दरअसल 20 साल से सेवाएं देने वाले 2000 टीचर की सूची तैयार की गई है, इसकी जानकारी है अब तक। टीचर हमारे पैरालिसिस के अटैक है, कई टीचरों को कैंसर की बड़ी भारी जो है बीमारी है, और उसके कारण क्या हो रहा था कि वो खुद भी नहीं पढ़ा पा रहे थे, बच्चे भी नहीं पढ़ पा रहे थे, और एक कोई जो है शिक्षित बेरोजगार भी जो है नौकरी नहीं लग पा रहा था। तो हमने अभी सारे CO BO को कहा है कि ऐसे सब टीचरों को चिन्हित करके देंगे और फिर एक सारे के साथ मेडिकल बोर्ड को देंगे। अगर कोई टीचर पढ़ाने की स्थिति में रहेगा तो उसको रिटायरमेंट नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर मेडिकल बोर्ड ने कहेगा कि ये क्लासरूम में बिल्कुल ही नहीं पढ़ा सकता है, तो हम चाहते हैं कि बच्चों का हित ना हो और उसके सारे हितों की रक्षा भी की जाएगी अध्यापक की, कि उनको जो है कोई दिक्कत ना हो रिटायरमेंट। पौड़ी से आपको खबर बताएं, पौड़ी में एक पटवारी और कानून गो को एक मृत महिला की जमीन पर नियम के खिलाफ दाखिल खारिज चलवाना भारी पड़ गया है, और इस फर्जीवाड़े में शामिल पटवारी और कानून गो को जिलाधिकारी के निर्देशों पर निलंबित कर दिया गया है। आरोप है कि चौबट्टा खाल क्षेत्र के राजस्व को लेकर ये पूरा विवाद था और इसकी वजह से ही ये धोखाधड़ी सामने आ रही है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।